नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाइयों, आज मैं आपको मोथा मारने का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय बताने वाला हूं। इसमें आपको मैं दवाइयों के नाम भी बताऊंगा जो सबसे सस्ती हैं और रिजल्ट भी उनका बेहतर है, लेकिन मारने का तरीका, दवाई कैसे लगानी है खेत में, वो सही तरीके से आना चाहिए, तभी उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, ये देखिए, ये गन्ने की बुआई हो चुकी है और अभी तक इसमें गन्ने का जमाव नहीं हुआ है और मोथा उगना चालू हो गया है। सबसे बड़ी कमी इसकी ये होती है कि इसके नीचे जो होती है, एक जैसे प्याज होती है, गंठा होता है, वो होता है और वो इसकी कोई टूट करके आ गया, लेकिन वो नीचे ही रह गया। ये जो नमी होती है खेत की, वो भगा देता है और जमाव पर बुरा असर पड़ता है, तो ये इसका सबसे नुकसान का काम होता है। इसमें आपको जो दवाई लगानी है मैं बता रहा हूँ, वैसे तो सैंप्रा दवाई है और भी कई कंपनी की है, महंगी दवाइयाँ हैं, लगभग 1500 रुपये का खर्चा एक एकड़ में आता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सस्ता उपाय बताता हूँ। इसमें आपको लेना है आधा लीटर 2-4-D, आधा लीटर 2-4-D लेने के बाद आपको, मैं टेक्निकल का नाम बता रहा हूँ, क्लोर म्यूरी ओन इथाइल, और 15 ग्राम की इसकी सीसी आती है, 3 CC आप ये ले लीजिए, और इनको मिक्स करके आपको जब भी आप इसमें पहला पानी लगाएं, गन्ने में जब आप पहली कोर देते हो तो उस टाइम लगभग 5 दिन पहले उसका स्प्रे करें। सूखे में ही कर दें, ये मत घबराएं कि इसमें नमी होनी चाहिए, तो सूखे में ही वो स्प्रे इसमें कर दें, और जब सूखे में आप स्प्रे कर दोगे और उसके बाद लगभग 5 दिन बाद आपको पानी लगाना है, ये मेन चीज़ है, आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सूखे में ही स्प्रे करें और 5 दिन बाद जब कोर दें, इसमें पहला पानी लगाएं, तो आप देखोगे कि पहले पानी पर ही आपका जो मोथा है लगभग 80% जो मैंने दवाई बताई है सस्ती पड़ेगी, इसी से ख़त्म हो जाएगा। इसमें लगभग आपका एक एकड़ में यानी कि 5 बीघे में 500 रुपये का भी खर्च नहीं आएगा और रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा। ये जो अन्य दवाई हैं उनके मुकाबले कहीं तेज़ी से काम करती है। 3 CC लेनी है, 15-15 ग्राम की आती है ये जो मैंने बताया है टेक्निकल, क्लोर म्यूरी ओन इथाइल, और कई कंपनी की आती हैं ये, और इसमें आपको लेना है 2-4-D 58% वाली जो लिक्विड आती है, इसका ध्यान रखिए, लिक्विड वाली लेनी है, और आपको 1 बीघा में 3 टंकी लगानी है 15-15 लीटर वाली। कुछ किसान भाई ये भी करते हैं कि पहला पानी लगाते हैं, पैर चिपकता है, उस टाइम स्प्रे करते हैं, तो फिर जब दूसरा पानी आएगा, तीसरा पानी आएगा, तब तक मोथा मरता रहता है, तब तक आप उसकी खुदाई नहीं कर सकते, कोई लाभ उसका नहीं मिलता। तो मैंने आपको ये एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया है। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।